नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। लक्सर के झीवरहेड़ी गांव में हत्या का एसपी देहात ने किया खुलासा। हरिद्वार जनपद के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के झीवरहेड़ी गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या का आज एसपी देहात स्वप्न किशोर ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर खुलासा किया। आपको बता दें, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के झीवरहेड़ी गांव में 4 दिन पहले प्रदीप पुत्र इसम सिंह उम्र 45 वर्ष की उस समय हत्या कर दी गई जब वह अपने घर की छत पर सो रहे थे। वहीं धारदार हथियार से बड़ी बहरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप एक ट्रक ड्राइवर था जो अन्य व्यक्ति के ट्रक पर ड्राइवर था और स्थानीय फैक्ट्री में ट्रक चलाता था। घटना की जानकारी देते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया, मृतक प्रदीप लक्सर की श्री फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री में ट्रक चलाता था। प्रदीप के साथ ही ट्रक चलाने वाले अमन पुत्र प्रवेश निवासी हरिपुर गांव थाना भेड़ जनपद सहारनपुर के प्रदीप की पत्नी ममता के साथ अवैध संबंध थे। वहीं अवैध संबंधों के कारण ममता ने अपने प्रेमी अमन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए अपने पति प्रदीप की छुरे से गोदकर हत्या कर दी। इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया छुरा भी बरामद कर लिया गया है। वहीं दोनों को जेल भेज दिया गया है। प्रदीप उर्फ भूरा नामक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या किए जाने की बात संज्ञान में आई थी। उक्त घटना पर उसके भाई सोमपाल की तहरीर पर अंतर्गत धारा 302 IPC अभियोग पंजीकृत किया गया और उक्त घटना के खुलासे हेतु कोतवाली लक्सर की टीम और CIU रुड़की की टीम गठित की गई। उक्त टीमों के द्वारा सफल अनावरण करते हुए इसमें अभियुक्त अमन पुत्र परवेश निवासी बेहट सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला एकत्र और घटना के समय पहने हुए कपड़े ये सभी बरामद कराए गए। साथ ही उक्त घटना में षड्यंत्र की सहभागी के रूप में मृतक की पत्नी को भी अपकायदा गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना के त्वरित व सफल अनावरण पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। आला एकत्र की बरामदगी पर धारा 25/4 आर्म्स एक्ट का अभियोग अलग से पंजीकृत किया गया।